नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं चांदनी चौक की गलियों में घूम रहा हूँ। मीना बाजार की तरफ जाना हो रहा है मेरा किसी काम से, तो मीना बाजार में आपको दिखाऊंगा मीना बाजार कैसा है, चांदनी चौक हमारा कितना बन चुका है, कितना बनकर रेडी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देखना एक बार ध्यान से और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं इस मार्केट में खड़ा हूँ। ये मार्केट देखो पूरी बंद पड़ी है, कूचा नकवा के नाम से मार्केट है, पूरी बंद पड़ी है, बाकी ज़्यादातर मार्केट बंद है। तो मैं अभी जाऊंगा मीना बाजार की साइड में, तो वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा क्या क्या बंद है, क्या क्या खुला है और चांदनी चौक हमारा कैसा है दिखने में। दोस्तों ये नए नए डिजाइन की लाइटें लगी हैं दोस्तों चांदनी चौक में। धूप काफ़ी तेज़ है, इसकी वजह से काफ़ी अंधेरा सा आपको लग रहा होगा उस वीडियो में। ये नए डिजाइन की लाइट है, ये लाइटें लगेंगी अब चांदनी चौक में, जो कि ख़राब नहीं होंगी सालों साल। दुकान वालों के तो मज़े ही आ गए भाई, एकदम बढ़िया फिनिशिंग करके चांदनी चौक बनाया एकदम। पत्थर आप देख रहे हो कितनी बढ़िया दुकानों तक की एंड तक इन्होंने पत्थर लगाया हुआ है, ये देखो। ये वो नया मंदिर है जो बनाया हुआ वहाँ पे चांदनी चौक में, नया मंदिर तोड़कर बनाया गया था स्टील का। ये बनाया था हनुमान मंदिर चांदनी चौक में नया वाला, और जहाँ ये रिक्शा खड़ा है ना बिल्कुल इसी जगह पर मंदिर था, तोड़कर ये बनाया फिर मंदिर यहाँ पर नया वाला। एक एक पत्थरों में दोस्तों ऐसे डिजाइनिंग करी है यहाँ पे गमलों में। ये देखो ऐसे गमले शायद मेरे को, मुझे लगता है आपको कहीं देखने को मिलेंगे। देख रहे हो कितनी बढ़िया डिजाइन करी है इस गमले में, देखो दोस्तों चारों ओर से डिजाइन है इस गमले में। तो अभी काम चल रहा है फिलहाल बनने के लिए इसका, पेड़ों में पानी दिया जा रहा है यहाँ पे। पेड़ों में पानी दिया जा रहा है, ये पेड़ है इनके ऊपर पानी दिया जा रहा है यहाँ पे, सारे पेड़ों में पानी दिया जा रहा है।
दोस्तों ज़्यादातर दुकानें बंद है यहाँ पे चांदनी चौक में। बाकी आप देख रहे हो पक्के वाले लोग कैसे सो रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको। ज़्यादातर मार्केट यहाँ की बंद पड़ी है। बाकी ये है कि लोग टाइम पास कर रहे हैं, अभी क्या करें। फिलहाल देखो कुछ खुलेगा तो फिर उसका पता लगेगा। तो ये लाल किला है और हम आगे लाल किले के पास, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है मीना बाज़ार के लिए, जामा मस्जिद के लिए रास्ता जा रहा है। तो हमें जाना है यहाँ पर, चलो लाल किले को बाय बाय करते। तो हमें आज जाना है यहाँ पर मीना बाज़ार। ये रास्ता जा रहा है मीना बाजार के लिए। ये रास्ता मैं आगे निकाल लेगा जामा मस्जिद, वहाँ से आएगा हमारा मीना बाज़ार जहाँ पे एक चोर बाज़ार लगता है, आपने देखा होगा सुनने मार्केट वाला। तो दोस्तों मैं आ गया अभी मीना बाज़ार के पास। अभी यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट बंद पड़ी है, आप देख रहे हो दुकानें ज़्यादातर बंद है यहाँ पे। बाकी अंदर जाके देखते हैं अभी क्या कंडीशन है, एक आध दुकान खुली है नहीं खुली। यह है पुरान दिल्ली का मीना बाज़ार दोस्तों, यह है मीना बाज़ार मार्केट जो ज़्यादातर बंद पड़ी है यहाँ पर। किसकी मोटर है, जहाज की मोटर है क्या? कितने सारे पंखे रखे हुए हैं, कंप्रेसर रखे हुए हैं, यहाँ पर पूरा सामान रखा हुआ है। ठीक है देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े पंखे हैं यहाँ पर। यह है मीना बाज़ार मार्केट, कितनी बड़ी बड़ी हैवी मोटरें हैं यहाँ पर। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कितने बड़े बड़े हैवी कंप्रेशन है यहाँ पर। ये आप देख रहे हो इतना बड़ा कंप्रेशर शायद मैंने पहली बार देखा हुआ। ये 1000 उसका है, इतनी हैवी मोटर है शायद दोस्तों, इतनी बड़ी मोटरें भी आपने पहली बार ही देखी होंगी। इतनी बड़ी मोटर है भाई, थोड़ी बाबा देख रहे हो यार कितनी तगड़ी मोटर है।
ये दोस्तों ऐसे की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर अगर आपको कंप्रेशर, मोटर या किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और मेन लाल किले के पीछे मार्केट है, अभी भी कुछ दुकानें खुलती हैं, तो जो भी सामान चाहिए आपको छोटा मोटा यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों।